सीएम सर जो उनके साथ मिले, तो हम भी चाहते हैं हमारे सरकार जो है वो हमसे मिले, तो हम चाहते हैं कि हमारे सरकार सामने आए। जिस तरह का अदर्स प्लेयर का जो हमारे साथ थे, देख ही रहे कि वर्ल्ड कप में हमने हमारा देश तीसरी बार वर्ल्ड कप जीती है। इस वक्त हम आ चुके हैं सुजीत मुंडा के यहाँ। इससे पहले हमने भी स्टोरी में आपको दिखाई थी कि इनकी तैयारियां जो थी किस तरह से चल रही थी। जी हाँ, इनका सिलेक्शन T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप में हो चुका था और कहीं ना कहीं इनकी तैयारियां बखूबी बहुत अच्छे से इन्होंने की थी और कहीं ना कहीं उनका नतीजा जो है बहुत जल्द सामने आया और कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड कप जो है T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप इन्होंने हासिल कर लिया। वहीं अब हम इनसे जानेंगे कि कैसा लग रहा है, क्या कुछ मेहनतें की इन्होंने और कहाँ पे इनको थोड़ी सी हिचक महसूस हुई। आपका बहुत बहुत स्वागत है GN भारत में और बहुत गौरव की बात है कि आपने हमारे देश का नाम रोशन किया और उन लोगों में भी आपका नाम जो है अब जोड़ा जा रहा है। कैसा लग रहा है आप ब्लाइंड T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप जो है लेकर आए और अपने इंडिया को आपने दिया? बिल्कुल, पहले तो आपका धन्यवाद और आपका चैनल वालों का धन्यवाद देंगे क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से जो है हर एक जनता के पास ये मैसेज पहुंचेगी। सो मैं बताना चाहूँगा कि हमने T20 वर्ल्ड कप मैंने जीता पर मुझे खुशी है, बट हमारे स्टेट से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कहना चाहेंगे कि जो हमारे स्टेट के ब्लाइंड क्रिकेट झारखंड के जो प्रेसिडेंट है हमारे विवेक कुमार सिंह, उनके माध्यम से हमने जो है बहुत प्रैक्टिस किया वहाँ पर और उसके माध्यम से हमने इंडिया टीम में सिलेक्शन मेरी हुई और लगातार मुझे मौका मिला और 2018 से 2022 तक लगातार इंडिया टीम से मैंने खेला, तब जाके मुझे वो T20 वर्ल्ड कप का खेलने का अवसर मिली और तब जा करके उसके बाद मैंने जो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया जिसके वजह से हर एक प्लेयर का 100% वहाँ पे मतलब परफॉर्मेंस था, जिसकी वजह से आज इंडिया टीम हैट्रिक की है। बहुत गौरव की बात है कि इंडिया जो है तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीती है। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे प्रॉब्लम की बात, तो प्रॉब्लम ये मतलब देखा जाए तो अभी जैसे मैंने मिला था जाने से पहले अपने जैसे स्पोर्ट मिनिस्टर से और आपका CM सर से जिसने मुझे आश्वासन दिए थे, बट अभी तक तो देखा जाए मैम तो कुछ हुआ नहीं है। आने वाला टाइम पता होगा, मुझे ऐसा आशा लगती है। बट इसमें हमारे मेहनत में हमारे बोर्ड जो झारखंड क्रिकेट एंड ब्लाइंड क्रिकेट के जो झारखंड बोर्ड है उनकी मेहनती और हमारे इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट जो है बोर्ड जो समर्थन हम के भी है उनके मदद से हमें जो सहयोग मिलना था, जो हमें जैसे नॉर्मल प्लेयर को मिलता है उस टाइप का वहाँ पे हमें हर एक चीज़ों से, चाहे वो रहने का हो या खाने का हो, चाहे हर एक चीज को देखा जाए तो वहाँ पे हम लोग को फैसिलिटी मिली थी, उसके माध्यम से आज इंडिया टीम। यानी कि आपको वहाँ पे सारे चीजों की फैसिलिटी जरूर मिली थी पर राज्य सरकार से किसी भी चीज की उम्मीद जो है हाथ नहीं लगी, सिर्फ उनसे निराशा ही हाथ लगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इनका कहना है कि राज्य सरकार इन्हें तो जरूर आश्वासन दिया था पर कहीं ना कहीं वो चूकते नजर आए, पर अगर हौसला बुलंद हो तो आसमान छूने की ख्वाहिश कौन नहीं रखेगा। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा मैम, जैसे आपकी बात काट करके मैंने अभी बता रहा हूँ, जस्ट अभी हमारा भी मैच होने शुरू होने वाले हैं 14 या 15 तारीख को, फिर मैं जस्ट निकलूंगा तो मैं चाहता हूँ उससे पहले यदि हमारे CM सर जिसे मिले थे वैसे ही मिले और मेरा मनोबल बढ़ाए तो बहुत गौरव की बात होगी। क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी जस्ट हमारा नेशनल टूर्नामेंट भी होगी, साथ ही इंडिया लेवल का बायलेटरल सीरीज भी होने वाला है, ट्रायंगुलर सीरीज भी होने वाला है, साथ ही साथ ODI वर्ल्ड कप भी होने वाली है, तो उनकी भी तैयारी चलेगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे सरकार सामने आए, जिस तरह का अदर्स प्लेयर का जो हमारे साथ थे और उनके साथ जो उनके स्पोर्ट मिनिस्टर साथ ही CM सर जो उनके साथ मिले थे, हम भी चाहते हैं हमारे सरकार जो है वो हमसे मिले और हमारा मनोबल बढ़ाए। जी, तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि नेशनल ब्लाइंड वर्ल्ड कप होने वाला है, तो वही कहीं ना कहीं अब ये फिर से एक उम्मीद जगा रहे खुद के अंदर कि सरकार इनके पास फिर से आए और इनसे मिले। भले इनका साथ सरकार नहीं दे रही है पर इनके मन पे इस बात की खुशी है कि सरकार आ करके इनका मनोबल बढ़ाती है और इनको कहीं ना कहीं वो साहस मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस की बात यह है कि इनका साथ देने वाला कोई नहीं है, मार भात खाकर पल रहे हैं ये अब भी।
एक झोपड़ी ऐसे घर पे रह रहे हैं अब भी, पर जीतने के बाद भी क्या जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री आपसे मिलने आए? जी नहीं, मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं पहले बता चुका हूँ कि जब मैं मिला था, जब मेरा सिलेक्शन T20 वर्ल्ड कप में हुई थी तो उस टाइम मेरा मुलाकात हुई थी, बट जब मैं 24 तारीख को आया उसके बाद लगातार अभी तक तो कोई मैसेज नहीं मिली है। कोई भी आपसे नेता मंत्री विधायक कोई भी मिलने आया आपसे? जी नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं, बस विधायक आए हुए थे और हमारे जो वार्ड पार्षद हैं वो हैं थे, और साथ ही एक परमेश्वर जी थे जो अभी बस्ती के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके सहयोग के माध्यम से अभी मेरे काम चल रहे हैं। पर जो मुझे आश्वासन मिली थी आदरणीय CM सर से और स्पोर्ट मिनिस्टर से, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम वो जो आश्वासन दिए हैं मुझे वो चीज़ में वो मनोबल बढ़ाएँ, जिस तरह अदर प्लेयर को हर एक स्टेट के गवर्नमेंट उनको सहायता दिए, उनकी आर्थिक मदद की है, तो उस तरह हमारे भी जो भी हमारे नेताएं हैं, जो भी हमारे गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं आपको हर जगह से बुला करके सम्मानित किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हो रही। कल ही आप देखे होंगे कि जयपाल सिंह मुंडा जी हैं, बहुत बड़ा प्लेयर थे वो, कल उनका जयंती है। जी हाँ, जयंती पे था, उन्हें वहाँ पे मुझे बुलाया गया, वहाँ पे मुझे खेल रत्न से भी जो है मुझे वहाँ पे सम्मानित किया गया, तो बहुत मुझे खुशी लगी कि जयपाल सिंह मुंडा जो थे हॉकी प्लेयर नंबर 1 थे और पहला हमारे गोल्ड मेडलिस्ट भी थे वो, तो बहुत मुझे खुशी लगी कि वहाँ पे बुला करके मुझे सम्मानित किया गया। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि जो मेरे जूनियर प्लेयर भी हैं हमारे जो स्टेट लेवल के, अभी उनका भी मनोबल बढ़ेगी और वो भी इंडिया टीम में कहीं ना कहीं अब आपका नेशनल खेल भी शुरू होने वाला है, उसकी तैयारियों में आप किस तरह जुटे हैं, क्या लग रहा है कि आप इसको इस बार फिर हासिल कर पाएंगे, अपनी मुट्ठी पे रख पाएंगे? जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा मैम कि मैं 2005 से भी ना लगातार मैं खेल के क्षेत्र में बहुत मतलब देखा जाए तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है, चाहे एथलेटिक्स हो या तो फिर क्रिकेट हो। मैंने 2005 से भी आपको चैनल के माध्यम से पहले ही बता चुका हूँ, 2011 तक मैंने खेला और इंटरनेशनल भी एथलेटिक्स में खेल चुका हूँ और वहाँ से गोल्ड मेडल भी लाया था USA से जा करके। उसके बाद लगातार मैं क्रिकेट से जुड़ा, क्रिकेट में भी लगातार अपने देश के लिए और अपने स्टेट के लिए नाम रोशन करता रहा, और अभी अब देख ही रहे कि वर्ल्ड कप में हमने हमारा देश 3री बार वर्ल्ड कप जीती है, तो बहुत गौरव की बात है। हम चाहते हैं कि जैसे अब देख लीजिए मैम कि हमारे स्टेट में थोड़ा सा यही प्रॉब्लम हो रही है, जैसे अदर स्टेट में देखिए जाए तो कर्नाटका को लेते हैं, वहाँ से 3 प्लेयर थे, साथ ही हरियाणा का 2 प्लेयर थे, तो हरियाणा को लेकर चलते हैं तो वहाँ के देखिए वहाँ की जो स्पोर्ट जो है ना बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है। क्यों है? क्योंकि वहाँ की सरकार हेल्प कर रही है और जितना हो सके वो स्पोर्ट में बहुत मतलब बहुत प्लेयर वहाँ से निकल के आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत मुंडा जी आपको हमारे साथ जुड़ने को, और गौरव की बात है कि आपने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम जो है रोशन किया है और पूरे इंडिया का नाम भी रोशन किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपके चैनल के माध्यम से भी जनता देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि जितने लोग भी इस चीज को देखे और सीखे और जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि लोग को ये भी मालूम चले, और यदि आप लोग के बस्ती में या कहीं भी हो आपके आप जहाँ तक आपकी मैसेज पहुँचती है तो कोई यदि दिव्यांग व्यक्ति हो तो उनको कोई मनोबल बढ़ाने के चीज़ें हैं और साथ ही उनका हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है, और ये ना समझे कि उनकी पढ़ाई नहीं होती है, ज़रूर पढ़ाई होती है, बस आपको आगे आना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसा कि आपने सुना कि सुजीत मुंडा जी का कहना है कि ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में इनका सिलेक्शन हो गया और कहीं ना कहीं वो जीत भी हासिल कर लिया, पर अब ये नेशनल खिलाड़ी बनने के लिए पूरी तरह से खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और अब इनकी तैयारियाँ जो है बिल्कुल शुरू है। वही कहीं ना कहीं इनको कुछ बातें जो है चुभ भी रही है कि राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो अब तक इनकी जीत के बाद मिलने नहीं आए, ये इनको काफ़ी ज़्यादा ठोस पहुंचा रहा है इनके मन को कि अगर वो आते तो इनका मनोबल जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता। हालांकि ये रहते तो एक छोटे से मकान पे, खाते तो वही माड़ और साग है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन पे हौसला जो है कितना अफजाई है वो आप देख ही रहे हैं। नहीं, ऐसे ही इन्होंने यह भी एक सबसे बेहतरीन बात कही कि अगर आपके आसपास कोई विकलांग बच्चे हैं या फिर ब्लाइंड है या बिल्कुल किसी आपके भरोसे है तो आप उनका भरोसा बिल्कुल ना तोड़े, हालांकि आप उसको साहस दे, जज्बा दे, ताकि वो इन्हीं की तरह आगे बढ़े और इसी तरह देश का नाम रोशन करे। GN भारत से नेहा खान की रिपोर्ट। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।